आप जो रहा स्पार्क टुडे न्यूज डभोई तालुका में रहता संतो महंतो शिक्षकों गुरु उपास शिष्यों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर गुरु पूर्णिमा की उजवणी कर डभोई खाते श्री बद्रीनारायण मंदिर खाते 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज तेमज स्वामीनारायण मंदिर में पुराणी स्वामी तेमज प्रजा पिता ईश्वर ने ब्रह्मा कुमारी आज आज दिवसे मोटी संख्या में अँ शिष्य उपस्थित रहा था गुरु ने आशीर्वाद पर मेव्या था और धन्यता अनुभवी थी। डभोई धारासभ्य शैलेष भाई मेहताए साधु सतों आशीर्वाद लई गुरु पूर्णिमा की उजवणी करी थी। આજના સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિના નિયમ પ્રમાણે પાવનકારી દિવસ એટલે આજનો ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ, ગુરુ પ્રત્યેનું ઋણ ચૂકવવા માટેનો એક દિવસ છે। કારણ કે ગુરુ શબ્દ એવો છે કે નિષ્કારણ જીવના ઉપર કલ્યાણ કરનારા ગુણો આપે, કલ્યાણકારી એવી રીતના સદબોધ આપે, એ જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે એને ગુરુ કહેવામાં આવે છે। ગુરુ એટલે જીવાત્માને પોતામાં ન જોડતા ભગવાનમાં જોડે તે સાચો ગુરુ છે। પોતામાં જોડે તે સદગુરુ કે ગુરુ કોઈ હોઈ શકે નહીં, એ સ્વાર્થી લોકો હોય છે। એટલે આજનો જે પવિત્ર દિવસ છે ગુરુ પૂર્ણિમા, એટલે વ્યાસ ભગવાન એ આખા જગતના ગુરુ છે અને કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુમ, સારાએ જગતના ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આ સંપ્રદાય ગુરુ માને છે। ભવ સંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતનમ વ્રતદાન તપઃ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા। ભગવાન સિવાય આ જીવનું કોઈ પણ કલ્યાણ કરનારું નથી, માટે સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગુરુ એ પરમાત્મા છે અને પરમાત્માનું ભજન કરવું જોઈએ અને ભગવાનનું ભજન કરવાનું શીખવાડે તે જ સદગુરુ। વર્ષો પહેલે कई हजार वर्ष हो गए व्यास जी महाराज हुए, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत आदि लिखे। जनता में एक प्रकार की सत्यता को फैलाने के लिए तथा सही मार्ग पर चलने के लिए व्यास जी ने मानव के मानवोचित ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ का परिपालन आज भी हिंदू धर्म करता है और उसी ग्रंथों का पालन जिन्होंने किया, सतमार्ग पर चलाने का जनता को प्रवेश करते हैं उन्हें ही गुरु कहते हैं। ऐसे तो गुरु का बहुत भाव है, जो शिक्षा देता है वो भी गुरु कहलाता है, छोटा मोटा काम सिखाता है वो भी गुरु कहलाता है। और इन गुरुओं का आदर करने का दिन आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होती है। वर्ष भर में शिष्य के द्वारा जो भी अपराध होता है या गलतियां होती हैं, अगर वो व्यक्ति साल में एक बार जिनसे वे दीक्षा लिए हैं या जिनको गुरु मानते हैं उनके चरणों में जाकर बैठे और उनके पूरा चरण न धोए, केवल अंगूठे को धोकर जल स्पर्श करके फूल अर्पण करें, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए वर्ष भर में किए गए पाप पुण्यों का लेखा जोखा तथा अन्यान्य गलत क्रियाओं का भी समावेश होता है जिंदगी में। व्यास पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने से समस्त दोष समस्त पाप निवृत्त हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए प्रति वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा को
गुरु पूर्णिमा के रूप में पूजा की जाती है। अब भारत के सभी शिष्यगण अपने अपने गुरुओं के चरणों में यथाशक्ति फूल अर्पण करते हैं, कुछ लोग द्रव्य भी अर्पण करते हैं, अगर पैसा न हो तो फूल और दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों में यदि झुक जाया जाए तो जीवन में ज्ञान आता है। क्योंकि सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी पर देखा जाए तो नदियां खुद अपना पानी नहीं पीती हैं, पेड़ खुद फल नहीं खाते हैं, इस संसार में सारी सृष्टि में सारा सृष्टि सारे संसार की सेवा में लगा है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो स्वार्थी बनता जाता है। इन्हीं स्वार्थी मनुष्यों के कल्याण के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व मनाई जाती है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बस वर्ष भर किए गए अन्यान्य कार्यों का समन्वय होता है और गुरु के चरणों में जाकर जीवन अर्पण करते हैं, साथ में वहीं पर गुरु पूजा करते हैं, वहीं प्रसादी लेते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। समय समय पर गुरुओं का आदर पहले होता था, आज बहुत सी विसंगतियां आ गई हैं। आज बहुत से गुरु लोग भी जीवन में पैसा कमाना ही जानते हैं, शिष्य का कल्याण नहीं चाहते हैं, और जो पैसा गौण कर देता है, शिष्य का भला चाहता है, वही सच्चा गुरु कहलाता है। गुरु का अर्थ ही है शिष्य के हृदय में अंधकार को दूर कर प्रकाशित कर दे। लेकिन अब ना वैसे शिष्य रहे ना वैसे गुरु बाबा लोग रहे, विसंगति तो कलयुग का प्रकोप सब जगह फैल गया है। क्योंकि लिखा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति उदेश्यति पंकजश्री इत्थं सोच गते द्विरेफे आहंत हंत नलिनी गजोज्जार। गुरु लोग कहते हैं कि रात्रि के समान संसार है, जैसे कमल के फूल में भौंरा विलुप्त हो जाता है और रात हो जाती है तो रात्रि भर सोचता है कि सुबह सुहाना प्रभात होगा और सूर्य निकलेंगे, उनकी किरणों से फूल खिलेगा और प्रभात होगा, हम भग जाएंगे। इत्थं सोच गते दुरेपे हाहंत हंत नलिनी गजौज्जहार। इतने में काल रूपी हाथी आता है और उस जो फूल खिलने वाला था वही सूर्य भगवान की किरणों से हाथी जब पेड़ को उखाड़ करके फेंक देती है तो मर जाता है। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है, हम लोग सदा स्वार्थ में जीवन जीते हैं, परमार्थ नहीं कर पाते हैं। तो परमार्थ के लिए हमें गुरुजनों के पास जाना होता है, गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर और नए संस्कार और नया जीवन जीते हैं। अपने जीवन में चार चांद लगाने के लिए गुरु पूर्णिमा पूरे भारत में मनाई जाती है।